नमस्कार साथियों, मैं पंकज कुमार यादव प्राथमिक विद्यालय बखारी प्रखंड विथान जिला समस्तीपुर बिहार राज्य में कार्यरत हूँ। बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला का सबसे पूर्वी क्षेत्र विथान प्रखंड है, जहाँ तीन नदियों का संगम है, कमला, कोसी और करेह नदी। इस तट पर संगम मेला का आयोजन भी किया जाता है। समस्तीपुर जिला ऐतिहासिक, राजनैतिक और धार्मिक रूप से भी काफ़ी प्रसिद्ध है। राजनीतिक में जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म स्थल है। विद्यापति धाम में उगना महादेव का दर्शन मैथिली कोकिल विद्यापति को हुआ था। महान कवि आरसी प्रसाद सिंह का जन्मस्थली रोसड़ा पड़ता है। समस्तीपुर का हसनपुर प्रखंड हसनपुर चीनी मिल के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर चीनी का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होती है। श्री अरबिंदो सोसाइटी के सदस्यों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार की ओर एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उनके इस सहयोग की और प्रयास की कल्पना मात्र से ऐसा लगता है कि हम एक नए शिक्षा क्रांति की ओर अग्रसर हैं। आज के प्रशिक्षण में जिस प्रकार श्री सौरभ सर ने विभिन्न विषयों पर, विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक और रोचक तरीके से जानकारी दी, इससे लगता है कि अब हम लोग नई क्रांति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अरबिंदो सोसाइटी के द्वारा ZIIEI और HDFC बैंक का जो प्रयास है, यह काफ़ी सराहनीय है। हम लोग इस प्रशिक्षण के माध्यम से काफ़ी नए आइडिया सीखेंगे, नवाचार का अंकुरण होगा। हम लोग सौरभ सर और अन्य प्रशिक्षक गण के सहयोग से एवं अनुभवी शिक्षक साथियों के सहयोग से नए विचार का आदान प्रदान करेंगे और शिक्षा में नई क्रांति लाने का प्रयास करेंगे। इस महामारी के दौर में लोगों तक पहुंच बनाने में विभिन्न स्कूलों में नए नए आइडिया का उपयोग किया गया, जिस क्रम में मैंने भी एक साधारण सी आइडिया का उपयोग किया कि विद्यालय के अधीन पोषक तत्व का जो क्षेत्र पड़ता है, उसी क्षेत्र के शिक्षित युवाओं को मोटिवेट करके और बच्चों को घर पर ही शिक्षा देने का प्रयास किया, जिसमें काफ़ी सफलता मिली और बच्चों में लगातार प्रयास के बाद भी जो प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, वो सब प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है। इस तरह का प्रशिक्षण देकर श्री अरबिंदो सोसाइटी ने समाज के गरीब गुरबों के बच्चों को शिक्षा देने का जो बीड़ा उठाया है, मैं इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही सौरभ सर को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस प्रकार का एक नए खोज में अपनी महती भूमिका निभाई है। धन्यवाद।